अजनी स्टेशन पर अंतर मॉडल स्टेशन बन रहा है। इसके लिए अजनी स्टेशन के पूर्व भाग में अंग्रेजों ने जो बंगले बनवाए थे और अजनी परिसर के अवैध जमींदोज हो रहे हैं, जिसका विरोध अजनी के नागरिकों ने किया है। पेश है हमारे संवाददाता संजय मिरेन की ये रिपोर्ट। अजनी स्टेशन पर इंटर मॉडल स्टेशन बन रहा है, उसके लिए अजनी स्टेशन के पूर्वी भाग में अंग्रेजों ने जो अपने शासन काल में बंगले बनाए थे और 7,000 के करीब पौधे लगाए थे, जो अब 125 और 150 वर्ष पुराने बड़े पेड़ बने हुए हैं। अजनी के अंग्रेजों के बंगले और यहाँ के दिख रहे विशालतम पेड़ों को NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तोड़ने का काम करने वाली है। कुछ पेड़ों की कटाई कर जमींदोज भी किया गया है। अजनी के इस परिसर में तकरीबन 3,500 कार पार्किंग और 400 प्राइवेट बसेस खड़े रहने वाली है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस अजनी परिसर में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बन रहा है। इस हब को तैयार करने में इस परिसर के अंग्रेजों के बंगले हो या फिर 150 वर्ष पुराने पेड़, सबको जमींदोज करना तय है। इसके लिए जुलाई 2020 को इसका टेंडर भी निकाला जा चुका है। इसके लिए NHAI को अथॉरिटी दी गई है। अंडरटेकिंग काम चलने वाला है। तकरीबन 2.5 साल में यह प्रोजेक्ट इसी जमीन पर बनने वाला है। दो फेज में आने वाले बंगले और पेड़ को जमींदोज करने वाले हैं। इसकी खबर मिलते ही अजनी परिसर के नागरिकों में खलबली मची हुई है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता संजय मीरे इनसे नागरिकों की ये बातचीत रखवाला में। दर्शक नमस्कार, इस समय भी इन विशेष की टीम अजनी के उस परिसर में खड़ी है जहाँ पे अजनी रेलवे स्टेशन पर इंटर मॉडल स्टेशन बनने जा रहा है। और इंटर मॉडल स्टेशन के ही पूरी द्वार के पास में जो अजनी का एक परिसर आता है, जहाँ पे अंग्रेजों के जमाने से जो बंगले बने हुए हैं और जो 150 साल पुराने काफी यहाँ पे 7,000 के आसपास जो पेड़ है उन्हें काटने का काम NHAI इस अथॉरिटी के तरफ से यह काम दिया गया है। और वे लोग यहाँ पे पूरे बंगले और पेड़ को तोड़ने वाले हैं। इस विषय को लेकर आज अजनी परिसर के तमाम नागरिक हमारे साथ में मौजूद है। आइए उनसे जानना चाहते हैं आखिरकार लोगों का क्या कहना है। इस समय में तनवीर अहमद हमारे साथ में, अहमद साहब ये बताइए कि जिस तरह से ये जो कामकाज हो रहा है क्या कहना चाहोगे आप? हमारा विकास को विरोध नहीं है और इंटर मॉडल जो स्टेशन बन रहा है तो उसमें टैक्सी, मेट्रो, रेल ये सब चीज इंक्लूड है। उसमें जो बंगले अंग्रेजों की जो विरासत है, करीबन 100 साल से भी ज़्यादा पहले ये बंगले बने हुए हैं। पेड़ जो है तो 150-200 साल पुराने पेड़ है। हम लोग अक्सर पेड़ बचाओ बोलते हैं, मगर पेड़ के ऊपर में जो पक्षी है उनके बच्चे रहते हैं, उनके अंडे रहते हैं। पेड़ काटने से वो उनके अंडे और जो बच्चे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो इसके पाप के भागीदार कौन है? पहले तो इन्होंने इस पे विचार करना चाहिए। दूसरा, प्रवासी जो पक्षी होते हैं तो वो 4,000-4,000 किलोमीटर दूर से आते हैं और हम लोग उनको देखने इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से जो पक्षी आते हैं, हमारे जो NGO है या पर्यावरण प्रेमी है, पक्षी प्रेमी है, वो जाके उनकी गिनती करते हैं। सर, आप ये बताइए कि जिस तरह से अगर ये जो कामकाज है NHAI के ओर से होगा और ये तमाम ये जो पेड़ काटे जाएंगे, बंगले जो गिराए जाएंगे, इसके लिए आप जो तमाम नागरिक है क्या आंदोलन करने वाले हो? क्या आपकी कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ रणनीति रहने वाली है? बिल्कुल आंदोलन क्यों नहीं करेंगे। कांग्रेस विचार जन जागृति अभियान के नाम से हम लोग इसका विरोध कर ही रहे हैं और भी करेंगे। मैं 10 साल यहाँ का पार्षद रहा तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, पैदा मैं यहाँ हुआ, मैं अपनी विरासत को कैसे उजड़ते हुए देखूंगा। बराबर है कि पूरा अपनी विरासत को कैसे उजड़ते हुए दिखेगा, ऐसे तनवीर अहमद साहब का कहना है। कुछ और भी सिटीजन्स हमारे साथ में हैं। अच्छा अच्छा, आप बताए क्या आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहोगे आप? मैं चाहता हूँ कि भी पेड़ नहीं कटे और यहाँ की जो रौनक है खत्म हो जाएगी पेड़ कटने से। बिल्कुल, क्योंकि नेचर ये कुछ ऐसे काटने के लिए नहीं बोलता, क्योंकि जब तक नेचर है तब तक ये सभी अच्छा कामकाज होता है और नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मगर अफसोस कि विकास के नाम पे ऐसे भी कामकाज इस शहर में हो रहे हैं। मैम, आप बताइए आप क्या कहना चाहूँगी? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम कोई प्रोजेक्ट लाते हैं तो उसकी वायबिलिटी, उसका असेसमेंट हम लोग देखते नहीं है। अल्टरनेटिव्स जो एक्चुअली देखने चाहिए कि 2 से 3 लोकेशंस हो जिसपे इसका वायबिलिटी हो सकता है। और ये जो हेरिटेज हमारा है ये 100 साल से भी पुराना है। पेड़ जो है 100 साल से भी पुराने हैं। यू के नॉट प्लांट अ ट्री इन अ डे। इसको कम से कम सींचने के लिए 100 साल ये लगे हैं। अब 50 साल बाद जब
नए लगाए हुए पेड़ बड़े होंगे तब आप फिर बोलोगे कि विकास का टाइम आ गया, फिर आप पेड़ काटोगे। ये नेचुरल ऑक्सीजन जो हमारे सबके लिए ज़रूरी है, ये हमारे लंग्स है, और ये लंग्स रहने दें। आप अल्टरनेटिव्स ढूंढें और कोई अल्टरनेटिव साइट पे हम IMS बना सकते हैं। हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आज नागपुर शहर के लिए बहुत ज़रूरी है। सर आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि झाड़ को तोड़ना ये बहुत गलत है। दूसरा, एक अभी जो कोविड गया उसके बाद सब लोगों ने देखा कि सारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेड नहीं थे, वेंटिलेटर की अपने को कमी हो रही थी। और ऐसा नहीं कि ये नागपुर में, ये सारे देश में विदेश में हो रहा था। उसके बाद भी अगर ऑक्सीजन की कीमत नहीं समझती है तो ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। देखो, सरकार जो डेवलपमेंट के नाम से ये पेड़ पौधे काट रहे हैं, ये जरूर यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, आसपास के परिसर, इनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। ये पेड़ पौधे से हमको फ्री में ऑक्सीजन मिलता है, इसके सहारे हमको एक अलग अलग टाइप के विचित्र पक्षियाँ देखने मिलते हैं। यहाँ कई सालों से हम देखते थे, हम संतनतुनी स्कूल में पढ़ते थे तो यहाँ से देखते थे, यहाँ पे कोयल, मिट्टू, कबूतर, ये एक साथ बैठ के, गिलहरी एक साथ बैठ के दाना चुगते थे। तो ये पूरा ये इस टाइप का जो प्रकृति है ये लोग नष्ट हो जाएगा सर इसका। और पेड़ तो ऐसा, अगर अपन घर में भी है तो काटने की परमिशन लेना पड़ता, ये सरकार तो मनमानी काट रही है। तो अजीनी परिसर के ये आप थे तमाम लोग जिन्होंने बखूबरी बेबाकी के साथ बात करते हुए ये कहा कि विकास के नाम पे उन्हें कोई मतलब, विकास तो होना चाहिए, विकास के लिए वे लोगों का कोई विरोध नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये जो हेरिटेज अंग्रेज शासनकाल से जो बंगले यहाँ पे बनाए गए हैं, 150 वर्ष पुराने जो बड़े बड़े पेड़ पौधे यहाँ पे तकरीबन 7000 के जो आसपास है, अगर उसे काटा जाएगा तो इसका कहीं ना कहीं नेचर पे बहुत बड़ा असर होगा। क्योंकि पेड़ लगाना एक आम बात है, लेकिन पेड़ को इतने वर्षों तक उसका गुजर बसर करना, उसको संजोग रखना, ये बहुत बड़ी बात है। और आज विदर्भ की यह हालत है तो कई सागवन के पेड़ काटे जा रहे हैं, तो कई चंदन के पेड़ काटे जा रहे हैं। अब विकास के नाम पे 150 वर्ष पुराने 7000 के आसपास पेड़ भी काटे जाएंगे और बंगले भी काटे जाएंगे, जिससे इतिहास को अब भुलाने के पीछे ये सरकार लगी हुई है और विकास के नाम पे लोगों से खिलवाड़ और भद्दा मजाक कर रही है। इसलिए रेलवे प्रशासन हो, केंद्र सरकार हो, या हो फिर राज्य सरकार, इन्होंने एक बार लोगों को साथ में लेके बात करना चाहिए और ऐसी बात करना चाहिए जिससे विकास भी हो और लोगों के दिल में खुशी भी हो, क्योंकि नाराज करना ये हमारा मानवता के खिलाफ है। अजीत इस परिसर से कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मीरे, इनविजन न्यूज़ नागपुर।